So hey guys, good morning, welcome back to the channel. तो यार आज फाइनली मैं निकल रहा हूँ भाई हरिद्वार के लिए. मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था, बट वो पहाड़ी लैंग्वेज में बताया था ना, तो इसलिए बहुत कम लोगों को जब वो समझ में आया होगा. बाकी कल का ब्लॉग कैसा लगा यार हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में आप लोगों को. मैंने पूरा ब्लॉग जो है वो पहाड़ी में करने की पूरी कोशिश करी है. कहीं कहीं पर मेरे से इंग्लिश वर्ड, कहीं कहीं पर हिंदी वर्ड भी बोले जा रहे थे, बट ओवरऑल जितना भी मैंने किया वो सारा का सारा जो है मैंने पहाड़ी लैंग्वेज में किया है. तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अगर आप लोगों को अच्छा लगा ना तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना भाई. तो अभी यार मैं तैयार तो हो चुका हूँ, बट यार आज का मौसम देखो भाई कितना ज्यादा गंदा हो रहा है. बिल्कुल बादल लगे और इतनी ठंड पड़ रही है ना. मुझे यार गाइस सर्दी के दिन बहुत गंदे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सर्दी में ऐसे जब बादल लगते हैं तो बहुत बहुत गंदा वाला ठंडा होने लगता है. तो अभी अपना रेगुलर बैग रेडी है एंड साथ में मम्मी ने एक कट्टा भी रख दिया, इसमें दीदी के लिए सामान है. हेलो चुन्नू, हेलो हेलो, हाय हाय हाय, हेलो हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, फिर मैं बहुत ही दिनों बाद आऊंगा. हेलो करो पहले, हेलो करो, हेलो, अपना ख्याल रखना चुन्नू, ठीक है, कहीं भागना मत आवारा, ठीक है, रात को घर को आ जाना टाइम पे, कहीं भागना मत वरना पिटाई लगाऊंगा तेरी, पिटाई. मम्मी को परेशान मत करना. तो चलो फिर मम्मी जी हम चलते हैं, निकलते हैं. यार कितना ज्यादा ठंडा हो रहा है ना. टोपी ले जा, टोपी अभी तो इधर हल्द्वानी से तो फिर गर्मी हो जाता है. हमारे यहाँ पे ये बेनिफिट तो है यार, जब तक गाड़ी हमारे घर के पास नहीं पहुंच जाती ना हम घर से देखते हैं, अदरवाइज हमको रोड में खड़ा होना पड़ता. अभी आज पूरे दिन और रात का सफर होने वाला है मेरा, पता है तुम्हें. तो चलो देखते हैं क्या सीन बनता है फिर. फिलहाल तो आप मम्मी लोगों से लेते हैं बाय बाय टाटा, और मैं आऊंगा गाइस करीब करीब 10-15 दिन बाद अब, क्योंकि मेरे को बहुत सी जगह जाना है. तो वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है भाई, बहुत मस्त मस्त. और हम लोग मीटअप भी करेंगे, मतलब मिलेंगे भी, कोई अपने भाई लोग मिलने वाले होंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा हरिद्वार जाके कि हमारा कहाँ का प्लान बन रहा है. और बहुत मजा आने वाला, मतलब बहुत क्रेजी सीन होने वाला, तो वेट करना आगे के व्लॉग्स का, बहुत मस्त. बाकी मम्मी कल पहाड़ी व्लॉग कैसा लगा फिर आपको? अच्छा लगा यार, मजा आया. बाकी किसी को समझ में आया होगा नहीं आया होगा वो तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि ये ब्लॉग आने तक मैंने उसे अपलोड नहीं किया ना अभी तक. तो मैं कल देखूंगा आप लोगों का कैसा रिस्पांस आया उस ब्लॉग पे, ठीक है? अरे जो ब्लॉग पहाड़ी वो आज डाला है? नहीं. अच्छा ओके पापा जी, बाय बाय, नमस्कार. अभी यार हल्की हल्की सी धूप आई है, बट यार मेरी बस नहीं आ रही, पता नहीं बस कहाँ रह गई, आज 10 बजने को आएगा इस. तो अभी मुझे बस की सी साउंड तो लग रही है, बट बस है या कुछ और है तो पता नहीं है भाई, देखना पड़ेगा अभी, शायद बस ही है. सो गाइस बस तो आ चुकी है, मम्मी बस आ गई, मैं जा रहा हूँ. तो अभी बज चुके हैं यार दोपहर के 1 और मैं पहुंच गया हूँ इतनी खूबसूरत जगह पे जिसका नाम है भाई खैरना. और यहाँ पे ना अभी हमारी बस रुकी है खाने पीने के लिए, तो आधा घंटा करीब हम लोग यहाँ पे रुकेंगे. बसेस वगैरह वहाँ पे लगी हैं एंड यहाँ से व्यू देखो यार कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है. स्पेशली मुझे यहाँ की नदी बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, क्योंकि देखो उसका कलर कितना प्यारा लग रहा है, एकदम ग्रीन, ये देखो. बाकी तो अपने पहाड़ों की यार बात ही अलग होती है. तो अभी चलते हैं यार कुछ खाते हैं, सुबह थोड़ा सा खाना खाया था उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया, तो कुछ खा लेता हूँ छोटा मोटा हल्का फुल्का, उसके बाद जो है करीब 3:30-4 बजे तक मैं हल्द्वानी तो पहुंच जाऊंगा. सो गाइस फाइनली यार मैं पहुंच चुका हूँ हल्द्वानी के रोडवे स्टेशन पे एंड यहाँ से अपने को यार एक बस छोड़नी पड़ेगी हरिद्वार के लिए. तो देखते कितने बजे जाती है यहाँ से, यहाँ पूरा लगा हुआ है ना हिसाब किताब. जयपुर, ऋषिकेश, लुधियाना, चंडीगढ़, और हरिद्वार का तो है ही नहीं. हल्द्वानी तो अभी गाइस मेरा हरिद्वार जाना कैंसिल हो गया है, सामान कमल रखवा रहा है और मैं जा रहा हूँ भाई मोंटी के घर पे आज, क्योंकि मेरे को थकान हो गई है, मेरे फ़ोन पे बैटरी भी नहीं है ना, तो अब मैं कल सुबह ही ट्रैवल करूँगा आराम से यार. कोई कहाँ यहाँ तभी कमल रखवा रहा है मेरा सामान. तभी हम जा रहे हैं कमल के स्कूल जहाँ पे ये पढ़ता है हॉस्टल वगैरह में, मतलब तो वहाँ लेके जा रहा है, मेरा सामान वहीं रखवा रहा है आज, क्योंकि यार कट्टा लेके जाने में ना बड़ा अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैंने कहा बैग लेके मैं चला जाऊँगा मोंटी के पास एंड कट्टा जो ही अपने स्कूल में रखवा देगा तो सुबह इससे ले लेंगे. कितनी दूर है भाई स्कूल? अच्छा वहाँ सामने. तो अपना बैग वगैरह रख के तो यार मैं निकल रहा हूँ अब मोंटी के घर को, तो ऑटो लेते हैं यार यहाँ से निकलते हैं, वहीं जाके करेंगे अब रेस्ट. तो अभी अपन मोंटी के घर के पास तो पहुँच चुके हैं, बट यार उससे पहले मेरे को भूख लग रही ना, तो कुछ चाट वगैरह खा के आते हैं यार. भाई एक चाट देना. तो भाई खाने पीने में तो मज़ा आ यार, अभी थोड़ा सा पेट भर गया. तो मैं पहुंच चुका हूं गली के अंदर, अब यहां से थोड़ा बहुत होता है करीब करीब 500 मीटर, तो चलते हैं यार रेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो गई यार मेरे को एंड फोन चार्ज करना है मेनली.
सो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं भाई मोंटी भाई के घर पे। एंड देखो भाई बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, तो अब जल्दी से जो है मैं अपना कल वाला व्लॉग जो है उसको एडिट करता हूं। तो दोस्तों फाइनली हमारे मोंटी बॉस आ चुके हैं और आगे देखो ये लग गए भाई अपने काम काज पे। हाय हाय आटा आटा गूंद रहे हैं बिल्कुल, क्या बात है। तो भाई सारा काम करता, देखो मेरी तरह एक्सपर्ट है ये भी। एक चूल्हे में इसने सब्जी चढ़ा दी है और इधर ही आटा वाटा गूंद रहा बढ़िया। मैं तो भैया आज खाऊंगा बैठ के बढ़िया, आज मोंटी का हाथ का खिलाऊंगा। जब भी मैं हल्दा नहीं आता ना यहाँ, तो मोंटी का हाथ का खाने को मिलता है। हेल्पर की जरूरत है। चाहे अंडे बेचना ना थोड़ी में। मैंने आज सुबह यही वीडियो देखी थी, अंडे बेच रहा था, ये बोला हेल्पर की जरूरत है, 2000 रुपए दिन का दूंगा कह रहा था। वही वाला हाल इसका भी हो रहा है भाई, परमानेंट हेल्पर की जरूरत है भाई। बताओ यार ऐसी बात कर रही है। मोंटी के यहाँ जॉब कर ले फिर आप। पैसा भी नहीं दे रहा देखो, बड़ा धांधली वाला आदमी है यार। तो दोस्तों अभी जो है भाई 8:30 हो चुका है एंड मैंने अपना पहाड़ वाला ब्लॉग जो है वो एडिट कर दिया है। तो अभी मैं सबटाइटल्स भी डाल देता हूँ यार, 2-3 घंटे जितने भी लगेंगे। तो बहुत मेहनत लग रही है उस वीडियो में, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यार एक कमेंट फिर से जाकर ड्रॉप कर दिया जिसने नहीं देखा है, ठीक है। तो अभी आप मोंटी भाई खाना बना रहे, तो खाना वाना खाएंगे भाई, उसके बाद जो है फिर लुढ़क जाते हैं, ठीक है। देख लो ये बहुत मजे ले रही है यार। तो कल सुबह जल्दी उठ के निकलेंगे दोस्तों हरिद्वार के लिए, फिर वहां जाके आप लोगों को दिखाऊंगा मस्त मस्त। सर गुड मॉर्निंग, अभी जस्ट मैं सो के उठ ही रहा हूँ और व्लॉग मैंने एंड नहीं किया रात को, तो एंड करते हैं इसको। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आ गई तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए आ चुके तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलता हूँ आप लोगों के साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो चलते हैं, तो फिलहाल तो यार उठ रहा हूँ ना, तो बहुत कम एनर्जी आ रही है, मतलब ट्रैवल करके ना बॉडी बहुत गंदा वाला पेन करती है, तो मतलब वही वाला सीन हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यार बॉडी में। चलो कोई नहीं, जैसा भी चल जाएगा। तो